पांवटा साहब के डीपू होल्डरों का एक मामला सामने आया है, जहां डीपू होल्डर ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम लगाए जा रहे हैं व राशन भी कम दिया जा रहा है। इस मामले पर तब पर्दा उठा जब तेजेंद्र सिंह पुत्र मुल्खराज निवासी भूपुर जैसे ही बद्रीपुर के जामनीवाला स्थित नरेश राशन डिपू में सामान लेकर घर पहुंचा तो काटा गया कैश मेमो को चेक किया तो रेट से ज्यादा पैसे वसूले गए, वहीं राशन भी कम मिला। जब उसने ये बात डिपू सेल्समैन को बताई तो उनकी बातों को अनसुना किया गया, जिस पर उसने उच्च अधिकारियों को भी कंप्लेंट की है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी शिकायत की मतलब जरा ना, जो थोड़ा राशन लैन लगे राशन ने कभी पूरा नहीं दिता। अच्छा रेट भी फालतू लगा वे, हम सू रेट 9 रुपये होना आटा, 9 रुपये आटा लगा, 8 रुपये 60 पैसे रेट है वे। चावल 5 किलो दिता, दाला कभी दिता कभी नहीं दिता। दाला मतलब इसकी 5-5 किलो दाला मिली, 2 किलो चने की, 2 किलो उड़द की, 1 किलो मलका की, इन्हें किलो किलो दाल दी सू। और मतलब अपना जोड़ा ना, मतलब असं एप्लीकेशन की मतलब अपना की शिकायत की पवित्रा मैडम की हैगी है और श्याम भाटिया की है। श्याम भाटिया ने अपना बस उत्थे 2 मिनट बुला के सानू कहना जी तो हो गया जी अपना गलबात हो गई। उत्थे अपना उन्हें पड़ोसी बुलाया अपना, कहें जी तू राशन सारे पूरा देना वा। हाँ उन्हें शराबी को पूछ लिया अपना, उन्हें एक सामने आया शराबी तो एक अपने नाल सरदार ड्राइवर जी है उन्होंने पूछा, बस दो पड़ोसियों बुला के अपना खाना पीती पूरी कर दिती। होर किसी का मतलब अपना किसी रसीद देता नहीं, पक्का बिल नहीं देता किसी को, की पता मतलब पैसे डिपो। हाँ जी और एप्लीकेशन दी बलदेव तोमर अपना, उन्होंने दसिया भाई मतलब श्याम भाटिया की मिली भगत हैगी है, मतलब सारे अपना राशन डिपो वाले को मतलब सैटिंग लगी जाती, पैसे खाता उन्होंने को, बस कुछ कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। उसने साड़ी हमें कार्रवाई दबा दी, कोई की नहीं, वो पैसे खा के अपना चुप हो गया, यही गल है। डीपू होल्डर ने बताया कि तेजेंद्र सिंह के राशन कार्ड में 26 किलो आटा दिया जाता है, वह 40 किलो आटा मांग रहे थे, आटा ना मिलने के कारण उन्होंने ये शिकायत की है, जबकि कंप्लेंट उसके राशन कार्ड के अनुसार सामान दिया गया है। बिल के बारे में डीपू होल्डर से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मशीन में भी कभी सर्वर प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम या मशीन की चार्जिंग ना होने के कारण ग्राहकों को बिल नहीं मिल रहा पाते हैं। सभी ग्राहकों को उनके लिए हर सामान का मैसेज उनके मोबाइल पर पहुंचता है, जितना सामान उन्हें डीपू से मिल रहा है। मेरे पास जो आए थे सामान लेने के लिए, उन्होंने अपना सामान 2 कार्डों का बायोमेट्रिक बेस पे ले लिया, सब कुछ उसको जितना उसका उपलब्ध बना था उसको दे दिया और उसे पैसे ले लिए, वो अपना लेके चला गया। उसके बाद 5-7 दिन के बाद फिर आता है कि जी आपने तो मेरे को सामान भी कम दिया, पैसे भी ज़्यादा लिए। तो मैंने उसको कहा भी तेरे को जो है जितना दिया था तेरे से उतने पैसे लिए, कोई तेरे से फालतू कोई पैसा लिया नहीं है। बाकी यह है कि तेरा बनता है 26 किलो आटा, तू मांगता है 40 किलो, मैंने तेरे को 40 किलो आटा नहीं दिया। अगर मैं तेरे को 40 किलो आटा दे तो उन्हें मेरी कंप्लेंट करानी ही नहीं थी, ये मैटर है मेन, बाकी और कोई नहीं। दूसरा, इसने 2 कार्ड बना रखे हैं, ये चाहता है कि मेरा तीसरा कार्ड भी बन जाए। इंस्पेक्टर साहब पे भी ये दबाव डालना चाहता है भी किसी कारण से मेरा तीसरा कार्ड बन जाए, जबकि परिवार एक छत के नीचे रह रहे हैं ये परिवार। वहीं इस सारे विषय पर फूड इंस्पेक्टर श्याम भाटिया का कहना है कि उन्होंने डिपो में जाकर जांच की है, शिकायत करने वाले व्यक्ति की शिकायत पर मौके पर भी पहुंचा था और उनके सामने सारी कार्रवाई की गई। इसके अलावा इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वे सारे बेबुनियादी हैं, इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो रही है और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। वीडियो मुझे, मैं इस बारे में आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 23 तारीख की शाम को 4:30 बजे जब मैं होलसेल गोडाउन से विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के सैंपल ले रहा था तो मुझे दूरभाष पर पता लगा कि कोई मेरे से कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसने मुझे मौके पर ही सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का जो होलसेल गोडाउन है वहाँ पर एक शिकायत पत्र जो मेरे पास पड़ा है जिसपे उसकी तारीख जो है 22/2/2019 है और ये 23 तारीख को शाम को 4:30 बजे मुझे दिया गया और मैंने उसके सैंपल लेने के बाद
तुरंत जो है शिकायतकर्ता से संपर्क किया कि वो मौका पर आए, मैं उसके सामने जो है जिस भी डिपो होल्डर की शिकायत है उसकी जांच कर सकूं, वो अमल में लाई जाएगी। क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे अभी इतनी जल्दी तो है नहीं कि भाई मैं उसको गोली मार दूंगा मौके पे, या मैं मौके पे एक्शन लेने के लिए मैं कंपिटेंट नहीं हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे से ऊंचे और अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जो इस जो मैं सबमिट करूंगा या जो भी हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होगी, ये कार्यवाही उनके द्वारा मुझे डायरेक्शन दी जाएगी, या वो इसमें FIR बनती है, या उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, या उनका अपराध किस तरह का है, ये मेरी रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को सबमिट होनी है, और ये मेल कर दी गई है उनको ऑलरेडी। और ये जो सदाब जी बोल रहे हैं मिली भगत है, ये बहुत गलत शब्द इन्होंने किए हैं अपने, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। एच टुडे के लिए पौंटा से रॉबिन की रिपोर्ट।